रिकॉर्डिंग तो होगी। तो बेटा पहले वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 156 पे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, या राइट अ नोट ऑन वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट से कैसे होती है, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले पैराग्राफ में पेज 144 पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि वाटर पोल्यूशन इज द कॉन्टिमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या है, रिवर्स, लेक्स, ओशन, ये सब किस में आती है, वाटर बॉडीज में आती है। तो इनकी कॉन्टिमिनेशन, इनका गंदा होना क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। और इसकी रीजन क्या है कि वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली उनको उसमें फेंके या इनडायरेक्टली, वो भी आगे जिक्र आएगा कैसे। हमने तो फसलों के ऊपर स्प्रे किया था, लेकिन बारिश आई है तो वो उन केमिकल्स को बहा के ले गई है वाटर बॉडीज तक। तो वाटर बॉडीज तक इनडायरेक्टली केमिकल सब्सटेंसेस पहुंच रही हैं, वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये है कि वाटर बॉडीज को हम इनडायरेक्टली पोल्यूट कर रहे हैं। अगर हम उन वाटर को या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको एडिक्वेटली, मुनासिब तरीके से उनको पहले ट्रीट करें, फिर उस पानी को डिस्चार्ज किया जाए वाटर बॉडीज में, तो फिर पोल्यूशन से बचा जा सकता है। लेकिन अब चलो बेटा देखते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की आप लोगों ने डेफिनेशन मार्क करनी है, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की डेफिनेशन आपको मिलेगी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का पहला का पैराग्राफ थर्ड लाइन के आखिर में जाएं, अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ मिलेगा आपको थर्ड लाइन के लास्ट में, अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ मिलेगा। मिला बेटा थर्ड लाइन के लास्ट में अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली के बाद से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन बेटा किसकी, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या है, तो इन ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट केमिकल्स एंड सॉलिड मटेरियल आइदर टू ओपन ग्राउंड, खुली जमीन में कहीं पे फेंक देते हैं, और टू वाटर कैनाल, वाटर चैनल्स, या फिर उन अपने वेस्ट को वाटर चैनल्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इसको क्या कहते हैं बेटा, ऐसी सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो ये बेटा डेफिनेशन हो जाएगी, अभी डेफिनेशन चल रही है। ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट आइदर टू ओपन ग्राउंड और टू वाटर चैनल्स, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मे बी, अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, दे मे बी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल, बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकती हैं, हैवी मेटल्स हैं बेटा, लेदर इंडस्ट्री में हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं और उनको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं पानी के अंदर। तो इसी वजह से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर है वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो पानी है उसके अंदर हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज कि वो हैवी मेटल्स की जितनी भी वो लेदर इंडस्ट्री है वो अपने वाटर को जो वॉशिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं चमड़े से लेदर बनाने के लिए, वो ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है पानी जमीन पर, नदी नालों में, दरिया में, वो सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होते होते हैवी मेटल्स पानी के साथ डिजॉल्व होके अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच गई हैं, और अब अगर वो पानी पिया जाता है तो उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, एंड हैवी मेटल्स आर कार्सिनोजेनिक, इट मींस हैवी मेटल्स कॉज कैंसर। हैवी मेटल्स हो सकती हैं बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर, मिनरल एसिड हो सकते हैं, मिनरल एसिड के नाम आप लोगों ने पढ़े थे HCl, H2SO4, HNO3, दे आर मिनरल एसिड्स। ऑयल हो सकता है एंड ग्रीजेस हो सकते हैं, ये सारी सब्सटेंसेस किस में आती हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में, जहां तक ये सब कुछ। हाँ, डेफिनेशन लिखने के बाद ये एग्जांपल में लिखते हैं। पहले डिफाइन कर दें, ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट आइदर टू ओपन ग्राउंड और द वाटर चैनल्स, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एग्जांपल, द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मे बी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हैवी मेटल, मिनरल एसिड्स, ऑयल्स और ग्रीजेस एटसेट्रा। ये बेशक उसमें एग्जांपल में लिख दें। अब बिल्कुल इसके स्टार्ट में चले जाएं और वहां पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। हम ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं। अच्छा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया है ना, तो आप लोगों ने पहले वाटर पोल्यूशन को डिफाइन किया है। सिंपल करते हैं, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाते। पहले आपने वाटर पोल्यूशन को डिफाइन किया है, सेकेंड नंबर पे आपने किसको डिफाइन किया है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को। डिफाइन करने के बाद इसकी आपने साथ में एग्जांपल दी है इनकी, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, और फिर आप थर्ड नंबर पे चले जाएंगे हम इसके
हार्मफुल इफेक्ट्स पर इसके, वही तो है ना बेटा, वही तो करने हैं, वही तो लॉन्ग क्वेश्चन का मेजर पार्ट है, हार्मफुल इफेक्ट्स। ये तीन चीजें करेंगे अभी, ऊपर की पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, लेकिन आप लोग वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम स्किप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, समझ लें। इंडस्ट्रियल मैं स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स को स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ, मैं दोबारा सारी इसकी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन आखिर में फिर बताता हूँ। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड सब्सटेंसेस। वो कौन सी सब्सटेंसेस हैं, हम केमिकल्स बनाते हैं, क्लॉथ लेदर है, गुड्स लेदर गुड्स हैं, पेपर बनता है, प्लास्टिक बन रहा है, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस बन रही हैं, रबर के आइटम्स बन रहे हैं, ऑन कमर्शियल स्केल टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें बन रही हैं। तो ये क्या है बेटा, हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना जी, सॉरी, ये हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन इनकी इंडस्ट्रीज में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो इनकी बाई प्रोडक्ट हैं, वो हार्मफुल हैं, केमिकल्स वगैरह, उनको हम ऐसे ही ओपनली डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उनका नुकसान होता है। फिर आगे वो डेफिनेशन आ जाती है इंडस्ट्रियल एफिनेट्स की। अब डेफिनेशन के बाद की लाइन पढ़ा हूँ। ऑन द अदर हैंड वाटर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट, दिस वाटर कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स। तो पहले पैराग्राफ में सिर्फ जो काम की चीज है वो क्या है बेटा, ये सेकेंड पॉइंट, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। वाटर पोल्यूशन को डिफाइन किया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और उसकी एग्जाम्पल दी, और अब नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाए, वहां से बेटा ये लिखेंगे कि ऑल दीज एफ्लुएंट्स, यहां से ये लिखेंगे ऑल दीज एफ्लुएंट्स एंड यूज वाटर इंटर लेक्स स्ट्रीम्स रिवर्स और ओशंस। ये सारा पानी रिवर्स में ओशंस में चला जाता है, एंड दे आइदर गेट डिसॉल्व और फ्लोट सस्पेंडेड इन वाटर, इवन दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड, दिस रिजल्ट्स इन द पोल्यूशन ऑफ द वाटर। क्या है कि बेटा ये सारे जो केमिकल्स का जिक्र किया था हमने, ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की एग्जांपल में जिन चीज़ों का जिक्र किया है, कहता है जब ये पानी पानी तक पहुंच जाते हैं तो या तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं या फिर उसकी सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। चाहे उसमें डिजॉल्व हो जाए या उसकी सरफेस पे, पानी की सरफेस पे फ्लोट करने लगे, तो नुकसानदेह है। या तीसरा ऑप्शन ये है कि वो कुछ सॉलिड चीज़ है तो वो उसके बॉटम में जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगी। किसी भी, ये कैनाल है ना बेटा, लेट्स सपोज ये कोई रिवर है, ये सारा उसका पानी ऊपर से ये रिवर को मूव कर रहा है, तो वो जो उसकी लोअर सरफेस होती है उसको उनको कहते हैं बेड्स। लिवर का जो नीचे वाला पार्ट है, लिवर का जो ग्राउंड है, उसको ड्राई कर दो तो नीचे जो सॉयल बचेगी उसे कहते हैं बेड्स ऑफ द रिवर। तो वहां पे वो सॉलिड चीज जाके नीचे जाके बैठ भी सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो फ्लोट करेगी या डिजोल्व होगी, इवन दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड। हो सकता है वो नीचे बॉटम में जाके, रिवर के नीचे बॉटम में जाके लेयर बना ले, वहां पे बैठ जाए। दिस रिजल्ट्स इन द वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के बैड इफेक्ट्स क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। पहला है दे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिटेरियोरेट का मतलब होता है तबाह कर देना, खराब कर देना। तो वो वाटर की क्वालिटी को क्या कर देता है बेटा, डिटेरियोरेट कर देता है, खराब कर देता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। सेकेंड है दे रिड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ एंड इको सिस्टम। जब ये बेटा सॉल्ट वगैरह पानी में डिजोल्व हो जाते हैं तो वाटर में, वाटर की जो एबिलिटी है टू डिजोल्व ऑक्सीजन वो कम हो जाती है, या फिर ऐसा ऐसे देख लो कि जो झील है उसमें पोल्यूशन की वजह से उसके ऊपर वो प्रोड्यूस हो गई, किसको क्या कहते हैं, एलजी, एलजी के ऊपर लेयर आ गई। अब सूरज की जो रोशनी है वो पानी में नहीं जा सकेगी नीचे, जब सूरज की लाइफ, सूरज की लाइट प्लांट्स तक नहीं जा पाएगी तो वहां जो नीचे पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो नहीं कर सकते बेटा तो वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, जिससे सारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगी। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट दोबारा रीड कर रहा हूं मैं। कहता है दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। थर्ड है बेटा दे कैन ऑल्सो सीप डाउन एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स। हाँ, अब वो पानी के साथ, जो पानी के साथ बहते जा रहे हैं, बॉटम पे जाके अब चले गए केमिकल्स वगैरह और मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गए नीचे, तो वो नीचे एब्जॉर्ब होते होते कहाँ पर पहुंच जाएंगे,
अंडरग्राउंड जो वाटर है जिसको हम पानी को निकाल के यूज करते हैं पीने के लिए, घरों में हमारे वाटर पाइप्स, वाटर नल लगे होते हैं, पानी के नल लगे होते हैं, वो जो हम पानी निकाल के पीते हैं, तो ऐसा होता है कि ये केमिकल्स नीचे जमीन में एब्जॉर्ब होते होते, लीचिंग प्रोसेस होता होता अंडरग्राउंड वाटर बेड्स तक पहुंच जाते हैं एंड दे कॉन्टेमिनेट द वाटर डिपॉजिट। और इस तरह से वो जो अंडरग्राउंड पानी के डिपॉजिट हैं वो आलूदा हो जाते हैं। व्हेन दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इट कॉजेज सीरियस डिजीजेस लाइक कैंसर एंड गैस्ट्रो। मैंने आपको बताया था हैवी मेटल्स क्या कॉज करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, उसके अलावा गैस्ट्रो की डिजीजेज होती हैं, पेट खराब हो जाता है अक्सर लोगों का गंदा पानी पीने की वजह से। दैट इज बिकॉज कि दैट दैट वाटर कंटेन्स प्लूटेंट्स, दिस पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस सॉइल। और ये अगर वो जो दरिया का पानी है, जो कैनाल का पानी है, वो पोल्यूटेड है और उस पोल्यूटेड वाटर से इरिगेशन की जा रही है, तो दैट विल नॉट ओनली डैमेज सॉइल बट ऑल्सो इफेक्ट द क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको भी ये क्या करेगा, पोल्यूटेड वाटर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ये जो हैवी मेटल्स इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के वो जो वेस्ट वाटर है उसमें हैवी मेटल्स जा रही हैं, तो वो इंसानों के लिए, हमारी सेहत के लिए दिया दे क्या है बेटा, हैजर्ड है, हैजर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग, अक्यूट का मतलब होता है शदीद, अक्यूट का मतलब होता है शदीद, तो अक्यूट कैडमियम, कैडमियम बेटा एक मेटल है, कैडमियम का, कैडमियम सी डी एक मेटल है। अक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा कि व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ हाई कैडमियम पॉइजनिंग, यानी कि कैडमियम की वजह से हमारी बॉडी पे क्या हैजर्डस इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये याद रखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डैमेज है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और फिर है एक्यूट लेड पॉइजनिंग, अगर लेड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाए, लेड भी एक मेटल है, उसका सिंबल होता है पीपी, ये किसका सिंबल है, लेड, तो लेड एक और मेटल है, अगर हमारे हमारे बॉडी में लेड की एक्युमुलेशन हो जाए, एक्यूट लेड पॉइजनिंग कॉजेज डिसफंक्शन ऑफ किडनी, किडनी खराब हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, डिसफंक्शन ऑफ किडनी, लिवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये भी याद रखना है बेटा कि लेड की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किडनी फेलियर हो रहा है, लिवर फेलियर हो सकता है, ब्रेन इफेक्ट होता है उससे, जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दे वो इफेक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक इफेक्ट होते हैं, एंड मर्करी पॉइजनिंग कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। और ये भी एमसीक्यू आता है कि जो मर्करी है बेटा, एच जी, मरकरी का सिंबल क्या है, एच जी, मरकरी का सिंबल है एच जी बेटा, और उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, दैट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, वो हमारे न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन्स के, उनको डैमेज करता है। तो ये है बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, मैं दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करना है, वो जो बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे, फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की जस्ट डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल जो आपको दरमियान में तीन चार लाइनें बताई हैं वो, और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर पे चलेंगे, ये जो हम लोगों ने चार पॉइंट डिस्कस किए हैं ये लिखेंगे, तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और उसके फिर इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये बेटा आप लोगों का आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, और हो सकता है कल टाइम बचा तो एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स को भी हम खींच देंगे। ठीक है बेटा, यहां तक बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और मिनरल एसिड्स के बारे में बता दें। बेटा हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स ये देखे ना बेटा, ये जो यूज किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स के लिए, वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना बेटा, लेकिन वो पॉइजनस है, तो वो किस में आ जाएंगे, हाईली टॉक्सिक पॉइजनस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट है बेटा, जैसे कि CaCO3 है, CaCO3 वो भी तो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो जब पानी में डिजोल्व होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, वाटर को हार्ड कर देता है, और भी बहुत सी सब्सटेंसेज हैं, मिनरल एसिड्स हैं, जब पानी में H2SO4 मिला हो तो पियो तो वो आपके लिए अच्छा होगा,
यानी कि इंडस्ट्री में काम हो रहा है जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कुछ ना कुछ सल्फ्यूरिक एसिड वो वॉशिंग पर्पजेस में वो बहा दिया जाता है। जैसे हम लैब्स में प्रैक्टिकल्स करते हैं बेटा, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद हम उसको सिंक में बहा देते हैं, वो सिंक में बहता हुआ चला गया जी, उसमें जो नीचे सेवरेज का सिस्टम है उसमें एसिड जा रहा है, तो एसिड और वो फिर बहता बहता जी वो उसके अंदर नदी में उसमें चला जाएगा, गंदे नाले में चला जाएगा, गंदे नाले से होता हुआ वो चला जाएगा किसी रिवर में, तो वहां पर लाइफ को इफेक्ट करेगा। तो ये वो सारी सब्सटेंसेस हैं बेटा। CaCO3 में कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है ना। वहां पे तीसरे चैप्टर में पढ़ा जो था कि CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इनऑर्गेनिक है, उसमें भी तो कार्बन है, तो ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है बेटा। नहीं बेटा उमेर, थैंक यू सो मच जी। बच्चों ओके है आज के लिए इतना ही, मे वी लीव द क्लास। इब्राहिम इमरान क्या चल रहा है, अब क्या कहाँ तक पहुंचे? मिनरल एसिड्स वही है ना बेटा, H2SO4, HCl, HNO3, दे ऑल आर मिनरल एसिड।